हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डीजल इंजन के पार्ट्स के बारे में। डीजल इंजन के पार्ट्स के बारे में मैं आज आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा। ये देख सकते हो आप कितने पार्ट्स है, सभी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे कैसे अटैच होते हैं और किस किस का क्या काम है और किस मटेरियल के बने होते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। ये जो है इसके ऊपर जो है बाला मैकेनिज्म जो है इसके ऊपर लगा होता है। अगर हम सिलेंडर हेड के ऊपर ये टैपेट कवर को हटा दें तो सिलेंडर हेड देखने में कुछ इस प्रकार से जो है दिखता है। इसके ऊपर जो है ये रोकर असेंबली लगी होती है जो बाल्बों को ऑपरेट करती है। तो सिलेंडर हेड ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। इसके बाल्ब जो है, जो इनलेट बाल्ब होता है वो निकल क्रोम अलॉय स्टील और जो एग्जॉस्ट बाल्ब होता है वो सिलिकॉन अलॉय स्टील का बनाया जाता है। और इस सिलेंडर हेड के ऊपर ही, जैसे हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर इंजेक्टर भी लगी होती है, जैसे ये फ्यूल इंजेक्टर इसको बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से देखने को जो है ये दिखती है। ये पावर स्ट्रोक से कुछ पहले जो है ये फ्यूल को स्प्रे करती है। और साथ ही जो है सिलेंडर हेड के ऊपर जो है ग्लो प्लग भी लगे होते हैं, जिनको हीटर प्लग भी बोलते हैं। ये जो है डीजल इंजन सर्दियों के समय जब इंजन स्टार्ट होने में जो दिक्कत आती है तब इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, सक्शन स्ट्रोक में आए हुए फ्रेश एयर को जो है गर्म करता है। ये हीटर प्लग होता है, इसको ग्लो प्लग के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको जैसे इसका सिंबल जो है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको जब भी हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो कुछ 2-3 सेकंड जो है जब ये सिंबल चला जाता है उसके बाद ही जो है इग्निशन स्विच ऑन करना चाहिए, जिससे इंजन जो है आसानी से स्टार्ट हो जाए। अभी आप देख सकते हो जो सिलेंडर हेड है नीचे से कुछ इस प्रकार से जो है ये दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट कटे हुए है। यहाँ पे जो है ये इनलेट मैनिफोल्ड जो है जो यहाँ पे जो है लगाया जाता है, और इसके इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर जो है एयर फिल्टर लगाया जाता है। और साथ ही जो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और इसके नीचे जो है इस प्रकार से इनलेट मैनिफोल्ड जो है ये लगाया जाता है, या आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये एक साइड भी हो सकते हैं इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, दोनों साइड भी हो सकते हैं, जैसे इनलेट मैनिफोल्ड एक साइड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दूसरी साइड। इनलेट मैनिफोल्ड जो है एल्युमिनियम अलॉय का जो है बनाया जाता है, और जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ये कास्ट आयरन, ये ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें हम तो इंजन का सबसे भारी भाग जो होता है, ये इंजन का सबसे हैवी पार्ट्स होता है, भारी पार्ट्स होता है, इसको इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अंदर लाइनर फिट होते हैं, जो ये पोर्ट है ये जो है इसके अंदर लाइनर फिट किए हुए हैं। ये भी लाइनर जो दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई टाइप एक वेट टाइप। अगर हम इसको इंजन ब्लॉक को नीचे से देखें तो इसका क्रैंक केस जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे जो है क्रैंक शाफ्ट को बांधा जाता है। जो इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक होता है ये कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और पार्ट की बात करें तो ये है केम शाफ्ट जो बाल्बों को ऑपरेट करती है। ये ओवरहेड भी हो सकती है, अंडर ब्लॉक भी हो सकती है। अगर ओवरहेड हो तो यहाँ पे रोकर असेंबली की जगह जो है केम शाफ्ट डायरेक्ट इसके लोब जो है इस प्रकार से बाल्बों को ऑपरेट करते हैं। अगर अंडर ब्लॉक है तो इसके साथ एक ये ऐसे टैपेट लगी होती है और एक पुश रोड लगी होती है। टैपेट जो है केम शाफ्ट के लोब के साथ अटैच होती है, इस प्रकार से इसको ऊपर ऑपरेट करती है, और साथ में एक पुश रोड होती है, और इसके ऊपर जो है इस प्रकार से एक रोकर आर्म लगी होती है जो बाल्बों को खोलने का कार्य करती है। बाल्बों को बंद करने का कार्य, जो सिलेंडर हेड के ऊपर रिटर्न स्प्रिंग लगे होते हैं ये बाल्बों को बंद करते हैं, और रोकर जो है इनको ओपन करती है। अब ये है इंजन की क्रैंक शाफ्ट, इसको इंजन की बैकबोन भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में थ्रस्ट पड़ती है उसको ये सहन करती है। इसलिए इसको निकल कार्बन अलॉय स्टील का बनाया जाता है। इसकी मजबूती के लिए जो है इसको हार्ड एवं टेम्पर केस हार्ड या हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है।
और इसको कूलिंग लुब्रिकेशन के लिए जो है इसके अंदर जो है ब्लाइंड होल कटे होते हैं। इसके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं डीजल इंजन की क्रैंकशाफ्ट और जो पेट्रोल इंजन की क्रैंकशाफ्ट है उसमें फर्क ये होता है, क्योंकि जो डीजल इंजन की क्रैंकशाफ्ट होती है उसके जितने क्रैंक पिन है उनसे एक अधिक मेन जर्नल होता है, जैसे एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, चार हो गए। लेकिन पेट्रोल इंजन में अगर चार क्रैंक पिन है जहां पे क्रैंक जो कनेक्टिंग रोड को बांधा जाता है तो तीन उसके मेन जर्नल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बिग एंड कैप की, इसके जरिए जो है इसको जो क्रैंक शाफ्ट है इसको इंजन ब्लॉक के साथ बांधा जाता है, इसके मेन जर्नल बिग एंड कैप है। उसके बाद अगर बात करें हम, ये पिस्टन है जो सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर ऐसे को सक्शन करता है, कंप्रेशन करता है और पावर की थ्रस्ट इसके ऊपर आती है, और उसके बाद इसके साथ जुड़ी होती है एक कनेक्टिंग रोड। ये कनेक्टिंग रोड जो है इंजन के ऊपर पावर जो है उसको इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर भेज देती है। क्रैंकशाफ्ट का एक काम और भी होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, और जो ये वाली कनेक्टिंग रोड होती है ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। और अगर हम जैसे इसको पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जुड़ी पोजीशन में देखें तो ये गजन पिन की सहायता से जो है पिस्टन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ये फुली फ्लोटिंग जो है इसका सिस्टम है जिसमें ये जुड़ा हुआ है। ये भी फिक्स पिन होता है और सेमी फ्लोटिंग होकर एक फुली फ्लोटिंग जो है, तो यहाँ से जो है कैप के द्वारा जो है इसको यहाँ क्रैंक पिन के ऊपर जो है इस प्रकार से बंदी होती है, जो क्रैंक शाफ्ट के घूमने पर जो है ऊपर नीचे जो है मूवमेंट करती है। ये कनेक्टिंग रोड का जो है बिग एंड कैप होता है, इसको फिटिंग के दौरान ये ध्यान में रखना होता है जो इसका थिन वायरिंग होता है इसके लोक जो है आमने सामने जो है होने चाहिए, ओपोजिट नहीं होने चाहिए, नहीं तो वायरिंग अंदर घूम जाएगा और जो है इंजन फेल हो जाएगा। इसको नंबरिंग के अनुसार जो है फिट करना चाहिए, जैसे जो कैप जिस कनेक्टिंग रोड की है वहां पर जो है फिट करना चाहिए। ये जो है डीजल इंजन की जो टाइमिंग का टाइमिंग गियर है ये यहाँ पे जुड़ा होता है इस प्रकार से। ये क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और जो इसका FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप है इसकी टाइमिंग को एक बराबर करता है, तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से मार्क लगे होते हैं जैसे एक दो तीन, तो इन मार्कों को जो है यहाँ पे भी मार्क होगा, जैसे ये मार्क है इसके साथ जो है अटैच करना होता है इस प्रकार से, जैसे ये है ये इस प्रकार से। तो तीनों गियरों की टाइमिंग अगर ये पॉइंट बराबर है तो टाइमिंग इंजन की सही होती है। और ये वाला जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप है रोटरी टाइप है, इसको डिस्ट्रीब्यूटर टाइप FIP बोलते हैं, ये हाई प्रेशर पाइप लाइन यहाँ पे जुड़ी होती है यहाँ पे, और एक जो है इंजेक्टर के ऊपर जो है जुड़ी होती है, ये फ्यूल स्प्रे करता है टाइमिंग के अनुसार। उसके बाद हम बात करें, ये टाइमिंग कवर है इंजन के आगे लगा होता है टाइमिंग कवर, जो गियर को जो है कवर करता है। ये जो है सिलेंडर हेड गैस कट है, ये सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में फिट किया जाता है जो सीलिंग का काम करता है। ये लुब्रिकेशन जो पोर्ट होते हैं, जैकेट होते हैं वाटर जैकेट, ऑयल जैकेट, उनकी जो लीकेज है उनको रोकता है। इसके ऊपर कुछ मार्किंग की होती है, इस प्रकार से फिट करना है इसको, ना कि इस प्रकार से को प्रेसबस्ट हो उसका जो है बनाया जाता है। अगर हम पिस्टन की बात करें तो पिस्टन एल्यूमिनियम अलॉय के आजकल अधिकतर यूज किए जा रहे हैं, और पहले जो है कास्ट आयरन के जो है बनाए जाते थे, क्योंकि ये हीट के अच्छे चालक थे, हीट होने के ऊपर जो है कम फैलते थे। और ये जो है ऑयल स्टेनर है, जो ऑयल में जो पंप में तेल आता है उसको जो है साफ करता है। ये ऑयल सम्प है जो इंजन के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल है उसको स्टोर करके रखता है, और इसके साथ यहाँ पे जो है स्टेनर इस प्रकार से लगा होता है। ये जो ऑयल सम्प है प्रेस्ड स्टील का बनाया जाता है, इसके नीचे ड्रेन प्लग होता है, इंजन ऑयल को यहाँ से जो है ड्रेन किया जाता है। तो ये पंप जो है ऑयल को जो है इंजन ब्लॉक की जो मेन ऑयल गैलरी होती है वहां पे जो है ये पाला पंप गियर टाइप ऑयल पंप है ये भेजता है।
और ये वाला जो है ऑयल फिल्टर, अगर हम बात करें ये रिप्लेसेबल और क्लीनेबल दो तरह का होता है। इस प्रकार ये रिप्लेसेबल है, इसको रिप्लेस करके नया इसके जगह फिट होता है, लेकिन जो क्लीनेबल होता है उसको धोकर जो है डीजल या पेट्रोल से तो दोबारा फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबाना ना भूले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।